वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों, दिस इज द प्रीवियस ईयर सीरीज। चाहे आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीपीओ की, रेलवे की या सीएचएसएल के लिए नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह है नंबर सिस्टम का पार्ट 23। इससे पहले पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 24 तक मैंने वीडियो बनाया हूँ, जिसमें आपको टोटल 300 क्वेश्चन करा चुका हूँ। ये है पार्ट 25, इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 301 से 310। जो लोग भी टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हो पाए हैं, कमेंट्स बॉक्स में लिंक रहेगा जहाँ पे आप कमेंट्स करते हैं, वहाँ के थ्रू आप ज्वाइन हो सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं डायरेक्टली ज्वाइन होना, तो 7300 प्लस मैथ अपने टेलीग्राम ऐप्स में सर्च करिएगा, आपको डायरेक्टली आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली क्या हो सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें हम कर क्या रहे हैं, 1999 से लेकर के 2017 तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन को हम आपको देख रहे हैं। चाहे वो क्वेश्चन सीजीएल में आया हो, सीपीओ में आया हो, रेलवे या सीएचएसएल, सारे क्वेश्चन को हम ले रहे हैं। देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्वेश्चन नंबर 301 से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे कॉन्सेप्ट क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। कोई भी दो नंबर गिवेन हो, मान लो कि ए और बी क्या है, दो नंबर गिवेन है, टू नंबर गिवेन। अगर बोला जाए कि इसको कोई एक सर्टेन नंबर मान लेते हैं, सर्टेन नंबर एन से डिवाइड करो, तो दोनों के केस में रिमाइंडर क्या होना चाहिए, सेम। तो वो थ्री डिजिट का नंबर, अगर ये मैं ये बात करूं कि नंबर थ्री डिजिट का है, तो वो नंबर क्या होगा, ये चीज क्या होगा। तो ऐसे दो नंबर मान लो ए और बी हैं, तो इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा ना, इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा, या तो डिफरेंस वही नंबर होगा, या डिफरेंस का क्या एक फैक्टर जो हो सकता है वो इसको क्या कर सकता है, वही ऐसा नंबर होगा जिससे हम डिवाइड करेंगे, तो दोनों के केस में क्या सेम रिमाइंडर आएगा, ये कॉन्सेप्ट है। अब जैसे देखो, इसी कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 301, टू नंबर आर इतना एंड इतना, व्हेन डिवाइडेड बाय ए सर्टेन नंबर ऑफ थ्री डिजिट लीव्स द सेम रिमाइंडर, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ सच एज थ्री डिजिट नंबर इज, कहा जा रहा है दो संख्याएं हैं को किसी तीन अंकीय संख्या से भाग देने पर समान शेषफल बचे, तो उस तीन अंकीय संख्या का योग क्या होगा। मैंने अभी बताया था दो नंबर गिवेन है 11284, दूसरा नंबर गिवेन है 7655। दोनों को किसी एक तीन डिजिट नंबर से डिवाइड करना है, दोनों केस में रिमाइंडर क्या आए, ऐसे नंबर से डिवाइड करना है दोनों केस को रिमाइंडर क्या करे, सेम। तो मैंने क्या बोला था, दोनों का बीच का डिफरेंस ले लो, दोनों के बीच का डिफरेंस इसका और 7655 का, डिफरेंस करूंगा तो कितना आएगा, आप ध्यान से देखो, डिफरेंस इन दोनों के बीच का अंतर लूँ डिफरेंस, तो कितना हो गया, डिफरेंस हो जाएगा आपको 9, मैं इसमें से इसको घटा रहा हूँ, ये बचा 7, 2, 3629 हो गया। अब ये तो डिफरेंस हो गया, मैंने क्या बोला था, या तो डिफरेंस वो नंबर होगा जिससे हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर सेम आएगा, या तो इसका फैक्टर, इसका क्या फैक्टर, फैक्टर का मतलब क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए फैक्टर, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा, आपके पास ये माइंड में जुबान पे होना चाहिए कि ये कैसे सोचना है। 3629 को किसी तरह से हमें ब्रेक करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा ताकि वो क्या हो जाए, इसको प्राइम पे, सॉरी मैंने फैक्टर बोला था, प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर लेना है, ठीक है, प्राइम फैक्टर में क्या कर लेना है, ब्रेक कर लेना है। तो प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य संख्या के फैक्टर में ब्रेक करना है, वहाँ पे लिख लीजिएगा कि इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर लो और जो आएगा। अब इसको हमने प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर लिया, 19 × 191 का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 3629। अब देखो क्या 19 हो सकता था, लेकिन 19 क्या है, टू डिजिट का नंबर है, लेकिन रियल में थ्री डिजिट का नंबर कौन है, 191, ये तीन डिजिट का नंबर हो गया। और इसका पूछा गया सम क्या होगा, सम इनके डिजिट का सम, तो 1 + 9 + 1 9 × 10 = 11। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत काम आने वाला है, ऐसे चीज़ें आपको नोट्स बना लो, अपना नोट्स बना के ऐसे चीजों को रख लो, ठीक है, क्योंकि समटाइम्स क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 302। देखिए क्वेश्चन नंबर 302 क्या कहा जा रहा है, इन ए डिवीजन सम द डिवाइजर इज थ्री टाइम्स द कोसेंट। डिवाइजर क्या कहा जा रहा है, थ्री टाइम क्या है, कोसेंट का, इक्वेशन वन जो हमने लिखा हुआ है जो क्वेश्चन में, द कोसेंट, ठीक है,
एंड सिक्स टाइम्स द रिमाइंडर, इसी डिवाइजर की बात किया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? सिक्स टाइम किसकी है? रिमाइंडर। इक्वेशन टू मान लो इसको। इफ द रिमाइंडर इज टू, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि रिमाइंडर क्या दिया गया है? दो, तो डिविडेंड क्या होगा? आपको डिविडेंड पता है ना, डिविडेंड क्या होता है? डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अगर हिंदी में बात किया जाए तो क्या होता है? भाज्य इक्वल टू, सारे लोग पढ़े होंगे, भाजक इंटू भागफल धन शेष, एड शेष कर लो। यानी हमसे पूछा जा रहा है डिविडेंड यानी भाज्य पूछा जा रहा है, डी पूछा जा रहा है, तो डी के लिए ये तीनों पता होना चाहिए। तो अब देखो इन तीनों को हम कैसे सोल्व करेंगे। रिमाइंडर दो दिया गया है, रिमाइंडर रिमाइंडर यहाँ पे रख दूँ तो सिक्स इंटू दो यानी डिवाइजर कितना हो गया? बारह। जैसे ही डिवाइजर बारह हो गया, मैं डिवाइजर की जगह पे क्या रख दिया? बारह। तीन से काटूंगा फोर, यानी कोसेंट कितना मिल गया? फोर। अब देखो इस फार्मूले पे रख लूँ, डी इज इक्वल टू क्या होता है? डी इंटू क्यू प्लस आर। तो देखो डिविडेंट ये पूछा जा रहा है क्या होगा, डी डी कितना है? ट्वेल्व। कोसेंट हमारा आ गया कितना? फोर। और रिमाइंडर कितना? ये तो गिवन था टू, यानी कितना हो गया? बारह चौ अड़तालीस और प्लस दो, यानी डिविडेंट कितना हो गया? पचास। तो डिविडेंट इज द पचास, जिसको हिंदी में बोलेंगे भाज्य। तो भाज्य कितना हो जाएगा? पचास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 303। देखिए क्वेश्चन नंबर 303 क्या दिया गया है आपसे? दिया गया कि 1/7 प्लस 999 इज 692 अपॉन 693 मल्टीप्लाई विथ 99। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम करेंगे क्या, 1/6 को ऐसे ही लिखो। आपको मैंने ये चीज एक तरीका बताया, टू सही 1/4 हो तो इंटीजर को अलग लिखो, फ्रैक्शन को क्या लिखो? अलग। तो ये इंटीजर है, इसको मैंने अलग लिख लिया, और फ्रैक्शन को क्या लिख लिया? अलग। हम इन दोनों को अलग, और मल्टीप्लाई किससे करना है? 99 से। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आप खुद सोचो। इसको मैं इरेज कर ले रहा हूँ, देखो ध्यान से। इस 999 को क्या मैं, अब ये थोड़े ना इसमें इसका मल्टीप्लाई करने चलेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं? 1000-1। तो अब इसमें मल्टीप्लाई करूँ 1000 का, तो पहले इसको ऐसे ही रहने दो 1/7 को। इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो गया? 9000। फिर 1000-999 का माइनस वन के साथ करूँगा तो कितना हो गया? 99 प्लस। अब इसको इसके साथ करूँगा, देखो 692 अपॉन 693 इंटू 99। अब देखो इस सात बार में कट जाएगा, 9 7 63 669। तो ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास कितना आ गया? 1/7 प्लस 999000 माइनस 99 प्लस 692 अपॉन 7। अब आपको एक चीज़ यहाँ से पता चल रहा है, देख के देखो, ये वाला और ये वाला दोनों का एलसीएम लूंगा तो 7 हो जाएगा, और 692 प्लस 1 कितना हो गया? 693 अपॉन 7। इन दोनों को एक साथ कर लिया, 000 माइनस 99। अब ये देखो इसको मैं डिवाइड करूंगा तो 7 9 63 99 और 99 कैंसिल हो गया, यानी कितना बचा? सिर्फ 99000। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 99000। ऐसे इस टाइप्स को क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया जाता है ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 304। देखिए 304 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। इफ द सम ऑफ डिजिट ऑफ एनी इंटीजर लाइंग बिटवीन 100 and 1000 इज सबस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर्स द रिजल्ट इज ऑलवेज। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि 100 और 1000 के बीच किसी पूर्णांक के अंकों का योग संख्या से घटाया जाए तो परिणाम सदैव होता है। अब देखो ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, जो संख्या वो किसके बीच है? 100 से किसके बीच है? 1000 के बीच है, यानी कि इससे बड़ा है और इससे छोटा है, यानी वो संख्या कितनी हो गई? 3 डिजिट का नंबर हो गया ना, 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर ही होगा ना, इससे कम होना चाहिए। 999 अगर सबसे कम रखूँ तो, यानी कि 3 डिजिट का नंबर है, 100 से ज़्यादा यानी स्टार्टिंग हो रहा है 3 डिजिट से, और 10 डिजिट का नंबर, तो लेट सपोज डेट 10 डिजिट का नंबर हमने क्या माना कि XYZ 10 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट है। तो अगर नंबर की बात करें तो क्या हो जाएगा? 100, ऐसे नंबर कैसे हो जाता है? 100X लिखने आपको बता चुका हूँ, प्लस 10Y प्लस Z लिख दिए हमने, और ये ऑलरेडी बहुत बार मैं बता चुका हूँ कैसे लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि जेड पे यूनिटी है तो इसे, टेंथ प्लेस पे वाई है तो 10Y, 100 प्लेस पे है 100X, तो इस तरह से लिख दिया। अब क्या कहा जा रहा है कि जो सम ऑफ डिजिट ऑफ एनी नंबर, सम ऑफ डिजिट इन तीनों का सम, तीनों का सम कितना हो जाएगा? X प्लस वाई प्लस जेड।
सबस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, इस नंबर में से इसका सम घटाना है। जैसे देखो मैं लिख दिया नंबर पहले 100x प्लस 10y प्लस जेड, क्या घटाना है इनका सम, इनका सम क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड घटाना है। तो जो रिजल्ट बना, अब इसके बाद फाइनल रिजल्ट क्या बन गया ये, तो ये किससे डिजिबल किससे होगा। तो देखो अब क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं आगे, देखिए 100x माइनस ये वाला x हो जाएगा कितना हो गया 99x, 10y माइनस y कितना हो गया प्लस 9y होगा, और माइनस z, और ये देखो माइनस z और प्लस z कैंसिल हो जाएगा, यानी इसमें से अगर मैं 9 कॉमन कर लूँ तो कितना हो गया 11x प्लस y, यानी कि ये जो 9 होगा अगर ये 9 से डिजिबल होगा तो सारे नंबर से किससे होगा डिजिबल बाई 9, अगर ये 9 से कट जाएगा यानी पूरा टर्म्स भी क्या होगा 9 से कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को फॉर्मेट में लाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 305। देखो 305 का मैंने, अगर आप देखे होंगे मैंने 2-3 बार कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ कि कोई दो नंबर का डिजिट है मान लो ए बी, और वो नंबर इंटरचेंज हो गया, क्या बन गया बी ए, तो इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस होता है 9 का मल्टीपल 9 इंटू डिफरेंस बिटवीन डिजिट्स ए एंड बी, यानी कि मैं अगर प्रूफ करके दिखा दूं, देखो मान लो कि 45 है ये बन गया कितना 44, अब इसमें पता करना है डिफरेंस क्या होगा, तो डिफरेंस के लिए आप एक तरीका क्या करते हो इसमें से इसको घटा लो तो कितना हो गया 9। दूसरा तरीका क्या होता है डिफरेंस निकालना है, तो मैंने जो ये बताया था देखो प्रूफ कर रहा हूँ 9 इंटू डिफरेंस बिटवीन डिजिट्स, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 1, तो 9 एक तो प्रूफ कर दिया। तो यही चीज क्वेश्चन देखो आपसे डायरेक्ट पूछा गया था, ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्या पूछा गया था, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता चुका हूँ बहुत बार, और आपको देखो इसी क्वेश्चन पे डायरेक्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे देखो क्वेश्चन पूछा गया है कैसे। क्वेश्चन कर रहा है द डिफरेंस बिटवीन ऑफ ए नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट नंबर फ्रॉम नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज ऑलवेज डिजिबल बाय डिफरेंस। देखो यही कहा जा रहा कि ये कोई नंबर है इससे इंटरचेंज होके आ जाए, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस किससे डिजिबल होगा 9 का डिजिबल होगा, तो 9 आंसर हो गया। ये तो कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था, ये एसएससी एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो लोगों को कॉन्सेप्ट पता था ये आसानी से बना सकते थे। अगर बेसिक अप्रोच से जाते हैं तो देखो बेसिक अप्रोच से कैसे जाते हैं आप, वो भी चीज़ सिखा देता हूँ। दो नंबर है मान लो आपके पास, दो नंबर है क्या एक्स वाई, तो आप दो डिजिट क्या है एक्स वाई, तो आप नंबर कैसे लिखोगे बेसिक अप्रोच से जाते तो 10x प्लस वाई, इंटरचेंज हो गया, इंटरचेंज हो जाएगा तो क्या उल्टा हो जाएगा ना, x की जगह पे y हो जाएगा तो 10y प्लस क्या हो जाएगा x, इंटरचेंज होने पे क्योंकि इंटरचेंज हो जाता है तो y x हो जाएगा, तो इससे क्या बनेगा नंबर, ये इससे बना था ये नंबर। अब दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस तो मैं लिख रहा हूँ 10x प्लस y माइनस 10, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इसमें से इसको घटा दे रहा हूँ 10y माइनस x, दोनों को इधर घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा 9 एक्स माइनस 9y, अगर दोनों के बीच निकालूं 9 तो x माइनस वाई, यानी वो क्या होगा 9 का डिजिबल। तो ये बेसिक के प्रोसेस, ये अगर जिसको आपको ये पता है कॉन्सेप्ट तो वो आसानी से डायरेक्टली आंसर कर सकता है विदाउट पेन एंड पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 306। देखिए 306 क्वेश्चन क्या करा है, द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इन ऑर्डर टू द सम मे बी एग्जैक्टली डिजिबल बाई 307। क्वेश्चन करा चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या का न्यून संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे वो 307 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई 49, उसको किससे हम डिवाइड करेंगे 307 से, क्योंकि उससे डिवाइड होना चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसको तीन टाइम्स में ले गया, तो तीन टाइम्स में ले गया तो कितना हो गया 921, क्योंकि सातली के 21 और तितली के 9 दो कैरी, तो ये कितना हो गया 8 और ये कितना हो गया 7 कैंसिल, ये 9, अब कितनी बार में जाएगा 3 × 6 यानी दो बार में 7 × 14 तो, और 3 × 6 614 हो गया, तो ये कितना बच गया 175 माइनस करूँगा तो, यानी कि अब से कहा जाए कि लिस्ट नंबर क्या ऐड करना है, लिस्ट नंबर की बात किया जाएगा तो इसमें से इसको क्या करते हो घटा देते हो। मैंने कितनी बार बोल चुका हूँ ऐसे क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, तो 175 घटा दिया यानी घटा दिया, तो अब क्या हो गया
कितना आ जाएगा 132, यानी अगर मैं 132 ऐड करूं इस नंबर में तो हमारा जो नंबर ऐड करूंगा तो हमारा जो नंबर होगा वो 360 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कितना आंसर हो जाएगा 132। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया है, इन एन ऑफिस देयर आर 108 टेबल एंड 132 चेयर। कोई ऑफिस है, मान लो हमारे पास ये ऑफिस है, मैं डायग्राम भी बना देता हूँ, ये ऑफिस है, इसमें क्या है 108 क्या है टेबल है और क्या है साथ ही साथ इसमें क्या है 132 चेयर है, कुर्सी है। कहा जा रहा है 1/6 ऑफ द टेबल एंड 1/4 ऑफ द टेबल आर ब्रोकन। देखो 1/6 किसका, टेबल, टेबल कितना है 108, यानी कितना हो गया 6 × 6 = 48, 18 × 6 = 108, यानी 18 टेबल क्या हो गया टूट गया। क्वेश्चन कहा जा रहा है, आगे क्वेश्चन कहा जा रहा है 1/4 ऑफ द चेयर, 1/4 चेयर, चेयर कितना है 132, कितना हो गया 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, यानी 33 जो है चेयर वो क्या कर रहा है टूट गया। तो अब बताओ आपके पास बचा कितना, 108 टेबल था 18 टूट गया, यानी बचा कितना 0, ये कितना बचा 90 क्या बचा टेबल, अभी आपके पास बचा है 90 टेबल, 33 क्या हो गया टूट गया, यानी कितना ये बचा 9 × 3 = 12, और ये बचा आपको 132 में से 33 चला गया ना, तो 9 × 3 = 12, और ये कितना रह गया आपका 99 हो गया ना, 9 × 4 = 9 × 3 = 12, और ये रह गया 9 × 3 = 12, यानी कि आपके पास 90 टेबल है और 90 चेयर है। अब देखो ध्यान से आपसे क्वेश्चन करना, हाउ मेनी पीपल, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, हाउ मेनी पीपल वर्क इन द ऑफिस ईच पर्सन रिक्वायर्ड 1 टेबल एंड 1 चेयर। हर एक पर्सन को, प्रत्येक पर्सन को, प्रत्येक पर्सन यानी इवरी पर्सन की बात करें, इवरी पर्सन को क्या चाहिए, एक टेबल और एक चेयर चाहिए, एक टेबल और एक चेयर चाहिए। तो बताओ 90 टेबल और 90 चेयर रहेंगे तो आपको कितने पर्सन हो गए, 90 पर्सन काम कर रहे हैं, लेकिन अब 91 पर्सन को सिर्फ क्या मिलेगा, चेयर मिलेगा ना, क्योंकि चेयर 90 खत्म हो गए, टेबल तो खत्म हो गए 90, अब सिर्फ बचा कितना 9 चेयर, लेकिन सारे ऐसा सारे पर्सन हैं जिनको चेयर और टेबल दोनों चाहिए, तो कितने हो गए सिर्फ 90 पर्सन होंगे, क्योंकि उसके बाद क्या होगा चेयर टेबल खत्म हो जाएगा तो वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक पर्सन को कितना चाहिए, एक टेबल और एक चेयर चाहिए। तो ऐसे कितने पर्सन काम कर सकते हैं उस वर्किंग में, 90 पर्सन, डेट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट लॉजिक क्लियर है तो आप क्वेश्चन को बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 308, 308 क्या कर रहा है, ए बी सी डी परचेज ए गिफ्ट वर्थ कितना है 60 रुपए, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी तीनों का मिला के कितनी रुपए कीमत है 60 रुपए। ए पे कोई सामान खरीदते हैं, चारों मिलाकर के 60 रुपए क्या करते हैं परचेज करते हैं सामान को। ए पे 1/2 व्हाट अदर पेइंग, यानी ए कह रहा है, ए पे कर रहा है 1/2 हिस्सा कितना, जितना बाकी जो रह गए बी सी डी रह गए, यानी कि टोटल दो दो यूनिट है तो एक यूनिट एक है, एक यूनिट एक है तो बाकी जो अदर हैं कितने हैं 2 यूनिट हैं, ये क्वेश्चन कहा जा रहा था। अब आगे बढ़ें, बी पे 1/3 ऑफ व्हाट एवर पेइंग, जो अदर जो हैं बाकी, क्वेश्चन कहा जा रहा है बी जो है बाकी जो अदर कौन रह गए ए प्लस सी प्लस डी, तो इनका 1/3 है तो तीन हिस्सा अगर ये हैं तो 1 हिस्सा क्या है ये है, ये लिखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं, सी पे 1/4, सी 1/4 ऑफ अदर्स, जो बाकी रह गए कौन रह गए ए प्लस बी प्लस डी, सी कितना पे करा है 1/4, यानी 4 हिस्सा ये है तो 1 हिस्सा क्या है ये तो हमारा जो क्वेश्चन था उसको हमने लिख लिया। अब बात आती है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डी पे, यानी डी ने कितना पे किया, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो ध्यान से, अब मैं अलग अलग निकालता हूँ, देखो यहाँ पे देखो दोनों मिला के कितना यूनिट है, अगर चारों मिला लें दोनों को ऐड करें ए बी सी डी तो कितना यूनिट है 3 यूनिट, 3 यूनिट मिला के कितना रुपए दे रहे थे 60 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 रुपए, तो ए का कितना हो जाएगा 1 यूनिट है तो यानी 20 रुपए, ए 20 रुपए दिया, ये पता चल गया। अब देखो यहां से मैं करूं इन तीनों को चारों को जोड़ूं तो 4 यूनिट, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है 60, क्योंकि टोटल 60 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी
15, यानी b एक यूनिट है, b की वैल्यू कितनी हो गई, यानी b 15 रुपया दिया, यहां तक हो गया। अब c और इसके देखो, ये दोनों मिला के कितना यूनिट है, 5 यूनिट, 5 यूनिट टोटल मिला के ए बी सी डी कितना दे रहे हैं पैसा, 60, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 12 रुपए। तो सी कितना है, एक यूनिट, यानी 12 रुपए। अब देखो आपके पास ए कितना दिया था भाई, 20 रुपए, बी ने कितना दिया, 15 रुपए, सी ने कितना दिया, सी ने दिया 12 रुपए, और डी है टोटल मिला के 60 है। अब बताओ 20, 10, 30, 10, 40 और 47 प्लस डी इज इक्वल टू 60, तो डी कितना दिया होगा, 60 माइनस 47, यानी डी ने 13 रुपए कीमत अदा की होगी, यानी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पेड बाय डी, तो डी ने कितना रुपया पे किया, 13 रुपए। ये बेसिक, अगर जो लोग 70 डेज कोर्स ज्वाइन किए होंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में इस टाइप्स के क्वेश्चन मैं बहुत करा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 309। क्वेश्चन नंबर 309 क्या कहा जा रहा है, इन ए स्कूल 1/4 ऑफ द बॉयज, 1/10 ऑफ द बॉयज, 1/10 ऑफ द बॉयज आर सेम एज 1/4 ऑफ द गर्ल्स। लो जी, एंड आगे क्वेश्चन कर रहा है, 5/8 ऑफ द गर्ल्स आर सेम एज 1/4 ऑफ द बॉयज, तो व्हाट इज द रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स। अरे यार ये तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर मैं इसको 2 करूं, इसको 5, मैं ऊपर वाले को सोल्व कर रहा हूं यहां पे, तो कितना हो गया, अगर मैं बॉयज बाई गर्ल्स निकालूं, इसको गर्ल्स को इधर लेके आऊं, तो कितना हो गया, 5/2, यानी यहां से भी आपका आंसर आ गया। अगर यहां से निकालना चाहो तो 2, यानी कि क्या हो गया, बॉयज बाई गर्ल्स, अगर मैं बॉयज बाई गर्ल्स इधर लेके आऊं तो कितना हो जाएगा, 5/2, यहां से भी 5/2 आ गया। या तो बॉयज इज टू गर्ल्स का ही रेशियो पूछा गया था, दोनों साइड से, चाहे यहां से निकाल लो चाहे यहां से निकाल लो, दोनों से 5:2 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 310। देखिए 310 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, इरेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 3/8, 3/4 और 3/8 के बीच रेशनल नंबर। तो पहले दोनों की वैल्यू ज्ञात कर लें, 3/8 कितना होता है, 0.47 28, 2 बचा 4 5 20, 3/8 कितना होता है, 0.38 30 हो गया ना ये, तो 8 3 24 कितना बचा, 6 8 6 हो गया, 8 7 56, 4 बचा 8 5 40, यानी कि 0.375 से बड़ा होना चाहिए, बिटवीन का मतलब इससे, और सब बड़ा कितना, इससे क्या होना चाहिए, छोटा, यानी जो नंबर हमारा, जो आंसर होना चाहिए, इनके बीच लाई करना चाहिए। अब आंसर देख लो, पहला आंसर क्या है, 7/9, 7/9 0.9763, 7 बचा, देखो 0.9763, 70 में से 3 गया, 7 बचा 7 9 7 63। अब देखो ये बाहर चला गया 0.75 से, तो ये बिटवीन चाहिए, अंदर चाहिए था, नहीं हो सकता। दूसरा देखो, इसको हम देखते हैं, 0.0 नहीं, ये तो क्या होगा, 3 2 समथिंग होगा, 3 2 6 यानी 2 समथिंग होगा, 2 तो ये बाहर चला जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। अब देखो ध्यान से, ऑप्शन हमारा आ गया 1, देखो मैंने बोला था ना कि अगर 2 सही 3/4 लिखा है, पहले 2 + 3/4 लिखोगे, देखो इंटीजर को अलग किया, 1 + 9/16, 1 में कुछ और ऐड करोगे वो क्या होगा, 1 से ज़्यादा ही होगा, ये तो दोनों नंबर 1 से कम है, ये भी नहीं होगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, लेकिन अगर फिर भी आपको प्रूफ जानना है तो देखो 5/9, 0.9545 कितना बचा, 5 9 5 45, 0.55, देखो इसके इन्हीं के अंदर लाई कर रहा है तो आंसर हो जाएगा, लेकिन आपको 3 ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है, तो ऑप्शन यही बचता है, और ऑलरेडी एसएससी के एग्जाम में एक ऑप्शन राइट होना ही होना है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हो आसानी से। देखिए जो लोग 70 डेज मैथ कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 200 रुपये कोस्ट दे करके, 200 रुपये हमेशा के लिए, एक बार आपने 200 रुपये पे किया, इसमें क्या क्या मिलने वाला है, 400+ वीडियो लेक्चर्स, आल अर्थमेटिक और एडवांस मैथ आपको कंप्लीट मिलेगा, जो बार बार मैं 70 डेज कोर्स बोल रहा हूँ, ये कंप्लीट आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियो मिलेंगे, इसमें इस टॉपिक की PDF मिलेगी और डाउट ग्रुप की फैसिलिटी। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 50 डेज रीजनिंग कोर्स रनिंग चल रहा है, अगर जो लोग ज्वाइन कर सकते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें अभी रनिंग चल रहा है, इसकी कॉस्ट है 300, और इसमें क्या है कि आपको 100+ वीडियो लेक्चर्स में कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, वर्बल प्लस नॉन वर्बल दोनों कंप्लीट कराए जाएंगे, PDF नोट्स भी दिया जा रहा है, और साथ ही साथ PDF प्रैक्टिस क्वेश्चन भी,
और डाउट ग्रुप की फैसिलिटी, और ऑलरेडी इसमें 200 प्लस लोग ज्वाइन हो चुके हैं, 3 टॉपिक्स कंप्लीट भी हो चुका है। जो लोग इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, अभी भी उनके पास मौका है। जब भी ज्वाइन करेंगे उनको पूरा कोर्स मिलेगा, ऐसा नहीं है कि 3 टॉपिक्स खत्म हो गया तो नहीं मिल पाएगा। और ये आपको ये जो है रीजनिंग का कोर्स, ये YouTube पे आपके नहीं मिल रहा है, आप देख रहे होंगे एक 3 टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब ज्वाइन कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। देखिए, आपको पे करना होगा, पेटीएम नंबर दिया गया, इसके थ्रू आप पे कर सकते हो जो कोर्स की चार्जेज है। गूगल पे के थ्रू भी आप कर सकते हो, तेज ऐप्स के थ्रू, ये गूगल तेज ऐप्स नंबर दिया गया है। फोन पे आप एप्लीकेशन के थ्रू भी आप पे कर सकते हो, मेरा फोन पे नंबर दिया गया है। आप जो लोग अकाउंट के थ्रू करना चाहते हैं वो अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं। पे करने के बाद आपको करना क्या होगा, उस पे की स्क्रीनशॉट या स्लिप की पिक्स आपको दिए गए ये व्हाट्सएप नंबर गिवन है इस पे आपको सेंड करना होगा स्क्रीनशॉट, और अपना नाम मेंशन करना होगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, आपको लिंक प्रोवाइड करूँगा, उसके बाद आपको वहाँ से आप वीडियो को एक्सेस कर सकते हो, पीडीएफ ले सकते हो, पीडीएफ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा, सारा क्लासेस आप अटेंड भी कर सकते हो। आप चाहते हैं कि ये सीरीज कंटिन्यू रहे तो आप इस वीडियो को, इस टारगेट को लाइक को अचीव कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर सकते हैं। और जो लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं है तो कमेंट्स बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन भी हो सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में।